आपकी सांस और कंधे पे होना चाहिए, वो उल्टा करेंगे। सांस लेते ही सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले और अपने पांच उंगलियों को मिला ले और अपने कंधे पे रखें और इससे कंधों का थोड़ा लचीलापन बढ़ता है। सांस लेते हुए फिर से ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे लेते हुए बाईं तरफ से पीछे लेके जाएं और पीछे से सांस लेते सांस छोड़ते हुए फिर बाईं तरफ देखें। सांस लेते हुए बीच में आ जाएं, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ देखें। सांस लेते हुए बीच में आ जाएं, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ दाईं तरफ सांस छोड़ते हुए जाएं। धीरे धीरे करें सांस लेते हुए ऊपर आएं, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ फिर से सांस लेते हुए आ जाएं। अभी अपने दाएं कान को दाएं कंधे के पास लेके आएं, सांस छोड़ते हुए दाएं कान को दाएं कंधे के पास लेके आएं जितना हो सके। ले जाए ऊपर की ओर देखें, छोड़ते हुए नीचे सांस लेते हुए ऊपर। पर हम सभी लोगों को, देशवासियों को, दुनिया के लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। भारत की जो योग विद्या यह शताब्दियों पुरानी है, आज उस योग विद्या को पूरी दुनिया में मान्यता मिली है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं जिनके कारण आज संपूर्ण दुनिया ने इस योग विद्या की ताकत को माना है और स्वस्थ रहने में, मानव जीवन को स्वस्थ रखने में, मन को स्वस्थ रखने में और तन को स्वस्थ रखने में, दोनों को स्वस्थ रखने में योग की बहुत बड़ी भूमिका है और आज संपूर्ण दुनिया इस योग क्रिया को कर रहा है। आज का जो यह योग दिवस है यह मानवता के लिए समर्पित है और संपूर्ण जीवन में हम मानवता की ताकत को और मजबूत करें, यह भी आज के इस कार्यक्रम का संदेश है। और बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से 75 चयनित जगहों पर स्वास्थ्य विभाग के लोगों की उपस्थिति में यह योग विद्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऐसे तो पूरे राज्य में हजारों जगहों पे आज यह योग का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। ये योग जो है आगे भी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिहार राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और योग के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। आज इस अवसर पर मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने आज तक इसकी शुरुआत नहीं की है वो निश्चित रूप से करें, क्योंकि स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है और अगर राज्य को स्वस्थ रहना है तो इसमें योग की भूमिका बहुत अहम रहेगी। हम लोगों ने बिहार स्कूल मुंगेर में जो योग का स्कूल है उसके साथ भी हम लोगों ने एक MOU किया है और उसके माध्यम से जितने आसन हैं महत्वपूर्ण उसको एक हम लोगों ने पुस्तिका के रूप में भी बनाकर सारे प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स जो हमारे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मेडिकल कॉलेजेस, हम लोग सभी जगह उसको भिजवा रहे हैं काफ़ी संख्या में, ताकि जो भी हमारे वहाँ मरीज आते हैं, वहाँ हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और आम जन हैं, उन लोग तक इस सरल भाषा में हम लोग उन लोगों को बताएं। तो आज इस अवसर पर आप लोग इतनी संख्या में सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।